नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। हिंदी अकादमी दिल्ली और हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2024 बाल नाट्य उत्सव कलरव नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित लिटिल थिएटर ग्रुप LTG सभागार में सम्पन्न हुआ। नाट्य कला में रुचि रखने वाले दिल्ली के विद्यालयों के छात्रों ने इस नाट्य उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एक जटिल चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर चयन समिति ने दिल्ली के 30 स्कूलों से नाट्य मंडलियों का चयन किया था। समारोह में सम्मिलित छात्र छात्राओं की टोलियों ने इसमें उत्साहपूर्वक अपनी अपनी प्रस्तुति दी। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, विवाह में दहेज की कुरीति, प्रतिस्पर्धा के युग में छात्रों में अच्छे अंक लाने की मानसिक दबाव, समाज में फैले अंधविश्वास, सोशल मीडिया की लत के दुष्परिणाम और यौन रोग जैसे बोल्ड विषयों पर बच्चों ने बहुत ही शानदार नाट्य प्रस्तुत किए। दो दिन तक चले इस भव्य समारोह का उद्घाटन हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के अध्यक्ष श्री सुधाकर पाठक एवं हिंदी अकादमी के सचिव श्री संजय कुमार गर्ग ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री सुधाकर पाठक ने कहा कि स्कूल के बच्चों में छुपी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी संस्था ने यह प्रस्ताव हिंदी अकादमी के पास भेजा था, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार किया। उन्होंने इसके लिए हिंदी अकादमी का आभार भी व्यक्त किया। इस नाट्य उत्सव में विभिन्न विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए 30 नाट्य प्रस्तुतियों में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और दो प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नाटकों का चयन किया। चयनित नाट्य मंडलियों को शील्ड नगद राशि देकर सम्मानित किया। बच्चों को यह सम्मान हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष एवं प्रसिद्ध हास्य कवि श्री सुरेंद्र शर्मा के कल कमलों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आयोजन की अवधि अगले वर्ष 2 दिन से ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे अधिक विद्यालय के नाट्य मंडलियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। समारोह के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों की 15 नाट्य मंडलियों को प्रदर्शन करने का अवसर दिया गया। उसके बाद निर्देशक एवं लेखक श्रीमती सुनीता अग्रवाल के नाटक 8वां सुर और उस पर 10वीं ताल 2 का मंचन किया गया। अगले दिन समारोह के समापन सत्र में बच्चों की शेष 15 नाट्य प्रस्तुतियां हुईं और उसके बाद एक युवा कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालय से 20 युवा कवि व कवित्रियों ने अपने कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम का मुख्य रूप से संचालन हिंदी भाषा अकादमी की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर वनिता शर्मा और युवा कवि सम्मेलन का संचालन कार्यकारिणी के सदस्य वरिष्ठ कवि विनोद पराशर ने किया। इस समारोह में हिंदी अकादमी के उपसचिव ऋषि कुमार शर्मा, सह सचिव श्री जगदीश शर्मा, हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की ओर से उसकी कार्यकारिणी के सदस्य श्री विजय कुमार शर्मा, श्रीमती सरोज शर्मा, श्रीमती सुरेखा शर्मा और श्री राजकुमार श्रेष्ठ भी मौजूद रहे। निर्णायक मंडल में शामिल थे रंगमंच से जुड़े श्री अजय मनचंदा, श्री किशोर श्रीवास्तव और श्रीमती सुनीता अग्रवाल, वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर तुलिका सेठ और बहुत से अन्य गणमान्य अतिथियों की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रही। दोस्तों, ये जानकारी और ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है। अगर आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। आप अरबाजी पब्लिक स्कूल से हैं? इंटरनेशनल स्कूल। तो आप पोस्ट कौन सा नाटक सीख रहे हैं? हमारा नाटक है आज की युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, बच्चे जो सोशल मीडिया के चंगुल में फंसे हैं, वो हम अपनी पोस्ट करने की अभी नहीं हुई। कल आप लोग आए थे, कैसा लगा कल आपको? कैसे नाटक देखा? बहुत सारे नाटकों को देख के, अच्छे नाटक देख के दबाव में तो नहीं है आप लोग? डर लग रहा है कहीं? हमारी तैयार हो बिल्कुल? यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब इस तरह के नाटक, इस तरह के और चीज़ें होती रहे, इससे बच्चों की कहीं ना कहीं वगैरह डेवलपमेंट होती है उनका, ऐसा लगता है ना? क्या कहना चाहोगे मैडम इस बारे में? ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। स्कूल में बच्चों का एक अलग माहौल है, जब यहाँ पर बच्चे देखते हैं, यहाँ पर परफॉर्म करना ना अपने आप की बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए, तो चाहती हूँ ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। चलिए तो बोलो, तैयार हैं? तैयार है। कैसा लग रहा है आपको दो दिन से कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि इस तरह की चीज़ें कम ही होती हैं जो विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए होती हैं, और ये इनिशिएटिव लिया गया है, तो थैंक यू आप लोगों का कि बच्चों को प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर बच्चे अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। बहुत मतलब अपने आप में एक अनोखी बात है, और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ।
तो क्या विद्यालय में आपको आसानी से सबने कहा कि आप जाइए, कुछ विद्यालयों में दिक्कत रही कि नहीं हम दो दिन नहीं, हमारे विद्यालय में क्या है कि हमारे विद्यालय में सपोर्ट था, आप जाइए कोई बात नहीं, जाइए बच्चों को, उन्हें पता बच्चों को एक मौका मिलेगा, बच्चे अपने एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और बच्चों से इंटरेक्शन होगा और प्ले देखेंगे और सीखेंगे। अभी अभी आपकी प्रस्तुति होनी है? हाँ। कौन सा विषय है, क्या नाम हमारा है सर? करप्शन के ऊपर है हमारा। सुखिया मर गया भूख से भ्रष्टाचार। अच्छा, आप लोग तैयार हैं? जोर से बोलो, तैयार हैं? तैयार हैं। कौन से विद्यालय से? कौन सा नाटक आप करने वाले? भारतीय नारी। अभी आपकी प्रस्तुति होगी अभी होनी है? अरे वाह, तो कैसी तैयारी है? आप कल आए थे, कैसे लगे नाटक कल? अच्छा, तो आप की तैयारी चाहिए, यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा है और कोशिश। आपकी शिक्षिका क्या है, क्या नाम है? आइए मैडम, आपको कैसा लग रहा है? बच्चों को क्या है? आपको लगता है कि इस तरह के नाटक बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपकी प्रस्तुति होनी है, बहुत बहुत दो दिखती है बाल नाटकों को आपका विद्यालय इसमें हिस्सा ले रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बच्चों की क्या भावनाएं हैं, बच्चों को यहाँ आके कैसा लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं हिंदी वाली भाषा अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विशेष तौर पर सर आपका सुनाकर पाटिल जी का, कि आपने ये ऐसा अवसर बच्चों को प्रदान किया। आमतौर पर नृत्य संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा आयोजन आपके प्रयासों के द्वारा किया गया है कि हमारे बच्चों को ये अवसर मिला। और दो दिन का ये जो उत्सव है और ये जिसकी सफलता के बारे में मुझे नहीं लगता मैं बयान कर सकती हूँ, हमारे बच्चों ने इतना आनंद उठाया, हमने इतना आनंद उठाया और ये हमारा सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि प्रतिदिन शाम को आ जाए। कौन सा विद्यालय बात नाटक हो रहा है, पहले तो बताएं आप किस विद्यालय से और कौन सा नाटक करने वाले हैं, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है, आपके बच्चों को क्या महसूस कर रहा है? तो बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, अभी थोड़ी देर बाद प्रणाम घोषित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।